सुनिए, जो मैं महसूस करा वो बोल रहा हूं, उनके पास प्रूफ है तो बता दो। बोलो, मैं भी हिमायत नगर में पैदा हुआ, उन्होंने भी हिमायत नगर में पैदा हुए, बचपने से देख रहे हैं उनको, स्कूल में देखा, कॉलेज में देखा, एमबीबीएस में देखा, सियासत में देखा, आज भी देख रहा हूँ, कल भी देख रहा हूँ। तो 35 साल में कभी रेवंत रेड्डी को मैं नहीं देखा उनके करीब, रोज आगे पीछे हम देखते रहते थे। तो अब ये नई दोस्ती कहां से आ गई? और ठहर के बोल रहे, आई एम अ ट्रू फ्रेंड, आई एम अ ट्रू फ्रेंड। तुम किसके दोस्त है? किसके भी ना दोस्त है तुम, समझे ना? तुम और तुम्हारे भाई किसके दोस्त हो नहीं सकते तुम। जो भी पावर में रहता उसके गोद में रहते तुम्हारा, वहां पे ट्रू दोस्ती तुम्हारी। क्या था मामला तुम्हारा? वाह रे वाह, राज सेक्रेटरी के पास थे तुम्हारा पूरे मामले करे, रोशिया के पास पूरे मामले, केसीआर के पास पूरे मामले। आम रहता देखो, आम चूस के छोड़ते, वो करते तुम्हारा पूर्व। अब हमारा नया आम है रेवंत अन्ना, बट रेवंत अन्ना विजनरी है। रेवंत अन्ना इतना स्मार्ट है, इतना शार्प है, आम बताता मगर चूसते नहीं देता। रेवंत रेड्डी कहते आपके दोस्त है, वाह। मैं भी हिमाचल नगर विठलवाड़ी में, तुम उर्दू हाल में रहते, पूरा बचपन तुम्हारा हमारा वाइट गुजरा। तुम्हारे बड़े भाई को देख लिया, तुम्हारे को देख लिया, 30 से 35 साल देख लिया वाइट। राखलैंड में बैठक, पिक एंड मूव के पास बैठक, तुम्हारे स्कूल में पढ़ा, रेवंत रेड्डी कॉलेज में पढ़ा, एमबीबीएस तुम्हारे साथ करा, आज तक मैं जी का तुम्हारे गैंग में उसको दोस्त बना लिए। अबा तो पक्के हैदराबादी है तुम अकबरुद्दीन, हम भी कोई पैसे वाला आते कि ये हमारा दोस्त है बोलते, कोई भी पावरफुल आते कि हमारा रिश्तेदार है बोलते, सेम। एक तो भी फोटो बताओ रेवंत रेड्डी तुम्हारे साथ खेला सो, या तुम दोस्ती में मिले, कहां तो भी तुम्हारा डिनर लंच कर रहे, ब्रेकफास्ट कर रहे, बर्थडे कुछ तो भी बताओ। ईद तुम उसकी ईद में गए, दीपावली दशहरा में, या उन्हें तुम्हारे रमजान में, बकरीद में, कहां तो भी आया, बताओ क्या ड्रामा है। तो ये पूरे ड्रामे छोड़ो, जो भी रूलिंग पार्टी है तुम उसको मैनेज कर ले, हमारा रेवंत रेड्डी को क्या बोलना बोल के बाप बेचारा मुस्कुरा लेते हुए बैठा हुआ है। क्या करेंगे उन्हें, मुख्यमंत्री है, कस्टोडियन ऑफ तेलंगाना है, उसका मुकाम बहुत बड़ा है। अच्छा वो मुकाम से तुम तोड़ ले रहे अपने आपको, वाह। कहते हिमायत नगर के अंदर दो बच्चे थे, कहते दो बच्चे यहां दिखते थे, लोग तमाम बोलते थे ये पोटे क्या करते, एक बच्चा मुख्यमंत्री बन गया, एक बच्चा मैं अकबरुद्दीन यहां पे आ गया। अरे बाबा, रेवंत रेड्डी बोले तो फाइन, उसकी जद्दोजहद से उसका बैकग्राउंड नहीं था, ZPTC बन के, MLA बन के, MLC बन के, MP बन के, आज समंदर के वैसी पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री बना, वाह। मान रहा रेवंत रेड्डी, आप भी मिला लिए रेवंत रेड्डी का, मैं इक्वल हूं उतना ही छू, मैं भी आप भूल गए, आप सालार के बच्चे सलाउद्दीन ओवैसी, वो आदमी का नहीं आ रहे सलाउद्दीन ओवैसी, बोले यस, ईमानदार सच्चा आदमी, यस। वो सलाउद्दीन ओवैसी बैठ के ऐसा चन्ना रेड्डी को बोल रहा, कोटला विजय भास्कर रेड्डी को बोल रहा, नेदरमल्ली जरार रेड्डी को बोल रहा, एंटी रामाराव को बोल रहा, वो सूट करता, तुम क्या है? वसीयत में तुम MLA बने और तुम भरते भी MLA। रेवंत रेड्डी बोला ओके कोडंगल को आओ, तुम खैर के बोलते मेरी जनाजा निकलेगा दारू सलाम से, यस, तुम्हारा जनाजा दारू सलाम से निकलता और तुम MLA बन के मरते, तुम मुख्यमंत्री के लेवल पे बात कर रहे का बाबा। हर टाइम ब्लैकमेल, हर टाइम, और तुम लोग मान लेना बाप, वाह। एक गिरगुट तो भी झाड़ पे चढ़े बाद हरा होता, और एक पत्थर के ऊपर चढ़े बाद नीला होता, मगर तुला झाड़ को देख के हरे बन जाते, पत्थर पे चढ़ने से पहले नीले हो जाते बाप। 10 साल का दोस्ती निभाए रे KCR से, हफ्ते भर में छोड़ देंगे रेवंत रेड्डी के गोद में गिर गए, वाह। यादा के वैसे तुलना है। तो आखिरी में एक ही बात बोल रहा हूं, MIM मुजरा पार्टी
आइटम गर्ल जैसा रहता है, तुमने कहा ड्रामा, कोई सीरियस नहीं रहता तुम लोग। जय हिंद, जय कांग्रेस। आप रेवंत रेड्डी को बोलते चाइल्डहुड फ्रेंड, और आप उनके तालु से क्या बोले, टिल्लू है। आप बता के बोले टिल्लू है, आरएसएस का टिल्लू है, आरएसएस की चड्डी है। और आज क्या हो गया, आप वो टिल्लू के टिल्लू बन गए। और आप बोले क्या, कांग्रेस खत्म, कांग्रेस खत्म। अल्लाह का एहसान देखिए, दिल्ली से ले लेके तेलंगाना तक कांग्रेस शुरू, कांग्रेस कभी खत्म ही नहीं हो सकती।